हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों मैं हूँ अपने आज पर इस धार में। लोग देख सकते हैं एक बार एकदम हरियाली हुई है, काफ़ी अच्छा सुंदर लग रहा है इधर चल के। तो मैं ऊपर आया आप लोग को आज इधर दिखाऊंगा। मैं नीचे गधेरे में चल के इधर आएंगे, मतलब नदी में बहुत सारी मच्छर हुई है, मतलब छोटे छोटे होते हैं गधेरे में, तो नदी में होते बड़े वाली। तो आज दिखाएंगे हम छोटी मच्छर और फिर दूँ, मतलब पहाड़ी भाषा में बोलते हैं। ऊपर इस साइड दो मुर्गिया है भी, मैं आगे साइड गया था तो वहाँ मिली मेरे को दो मुर्गिया, वो उस साइड चले गए ऊपर को। अभी दिखने मतलब ऐसे तो दिख रहा है, सामने ही है, वहाँ पर गए हैं। आप लोग को मैं चलता हूँ नीचे, चल के दिखाता हूँ मच्छर, जो भी मच्छी मिलेंगी आप देखते हैं। पहले जहाँ उस साइड हम पहले बचपन में नहाने के लिए भी आते थे इस गधेरे में, ऊपर चल गए वहाँ पर, वहाँ चल के भी आप लोगों को दिखाता और मच्छी मिलेंगी तो मच्छी दिखाता आप लोगों को आज। तो अब चलते हैं नीचे चल के, पहले हम उधर चलते हैं उस सारे गधेरे में चलेंगे कि वहाँ पे ज़्यादा होती है मच्छर, यहाँ तो फिर भी कम होती है। तो यहाँ का नज़ारा आप लोग को काफ़ी अच्छा है। अभी शाम धूप भी हो रही है लेकिन फिर भी इतना लग नहीं रहा है। अभी जस्ट मैं नहा के आया हूँ तो बाल में तेल नहीं डाला, इसलिए थोड़ा बाल ख़राब हो गए, वरना आज मौसम काफ़ी धूप में लगेगी फिर भी ठंड ऐसी लग रही है शाम को। मतलब 5 बजे के बाद तो हवा चलती है, फिर मतलब ठंड लगने लग जाती है इधर। यहाँ काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा है आज। मैं भी इधर कम से कम 1 साल के बाद आया हूँ ऊपर, और नीचे वहाँ रहा हमारा गांव, यहाँ से काफ़ी अच्छा दिखता है वैसे नज़ारे नीचे को। इसमें बहुत सारी मच्छी मतलब फिद्दू होते हैं इनको। पहले ये था हमारा एक पत्थर, पत्थर में पहले हम जब छोटे थे तो यहाँ पर नहाने के लिए आते थे। होली के बाद मतलब यहाँ से पूरा इतना यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा इसको चीन के फिर इसमें पूरा पानी भरता था। इतना छोटे छोटे बच्चे हम इसमें एक एक दो दो करके इसमें नहाने आते थे, मतलब पूरा भर जाते थे यहाँ तक, पूरे यहाँ पूरा मिट्टी मिट्टी लगा के एकदम पूरा करते थे इसको। अब तो बस सूख गया इसमें मच्छी हुई है, मच्छी नहीं है वैसे, भद्दू बोलते हैं छोटे छोटे, ये हर जगह मिल जाते हैं आजकल बहुत सारे, मतलब जहाँ भी देखो यही यही दिखती। यहाँ बहुत बड़ा पत्थर है, नीचे वाला उसमें कुछ ज़्यादा ही है मतलब लगे हुए। यहाँ गधेरे में आजकल कोई आता नहीं है, अभी बड़े होंगे तो बड़े ज़्यादा दिखते हैं। अभी दिखाऊंगा मैं आपको नीचे जाके, नीचे होंगे तो कहीं मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ नीचे जाके। इधर से मैं था इधर मुर्गी को उस साइड के देखेगा मेरे पर जा लेके दो मुर्गी, थोड़ा थोड़ा मतलब भूरा टाइप इधर से लेके अभी दिखेंगे और मुर्गे एकदम बंद हो गया रास्ता। हमको इस साइड मच्छी हुई नहीं, वहाँ देख लो को यहाँ छोटी छोटी मच्छियाँ हुई वाली वाली। अपने पहले यहाँ पर काफ़ी मतलब सब लोग आते हैं खेलने के लिए, तो यहीं पर हम सब लोग खो खो कबड्डी खेलते थे पहले मैदान पे। आप तो यहाँ पर मतलब कुछ आता नहीं, अब हम नीचे खेलते हैं। हम भी नीचे जाके वहाँ हमारे गाय भी चली गई ऊपर ही चलाने के लिए, आई थी मैंने वो नीचे को चली गई उस साइड नीचे चली गई। तो अभी जाता हूँ नीचे, वहीं गाय लोग गाय को भी थोड़ा मतलब इस साइड को खाते, वरना कहीं उजाड़ खाने चली जाएगी। तो ये हमारे छोटे छोटे में हो के बोर्ड, और ये हमारा है घिंगर। अब घिंगर तो इसमें लगे नहीं अभी, अभी 1-2 महीने बाद निकलेंगे। ये मेहू के बोर्ड छोटे छोटे, ये बांस का बोर्ड है छोटा, यहाँ हमारे बकरे चरने के लिए आती थी पहले, और इसमें लगे हैं अभी हमारे क्या बोलते हैं उनका नाम ही भूल गया, मेहू का बोर्ड है ये। मैं इस साथ चल के दिखाने वाला था आप लोग को मच्छी, लेकिन वो मच्छी के लिए हमारे गाय नीचे चली गई, तो
मुझे नीचे जाना पड़ेगा, मच्छी आप लोगों को नीचे मिल जाएगी तो वही दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि अब मेरे साथ कोई है नहीं, उनको मतलब निकालना पड़ता पत्थर के नीचे छुप जाऊँ मच्छी, इसलिए और पास साइड नीचे होंगी तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यार। मतलब घास तो बहुत हुई लेकिन मैंने ये खतरा नीचे को चले गए तो मुझे वही जाना पड़ेगा, और नीचे रहे हमारे गाय 2-3 जो भी है। सुरा सुरा हवा चली के पहाड़ा, हमारे अपने पेड़ पहले जो छोटे थे तो हम इस पर चढ़ भी नहीं पाते सही से, मतलब चढ़ते तो थे आराम से लेकिन इस साइड चलते थे हम इस साइड के इसमें नीचे, इसे चल कर खत्म मत लोग पहले इसमें हम चढ़ते चढ़ा ही नहीं जाता था हमसे, अब तो पेड़ लगता है कि छोटा हो गया बहुत, पेड़ तो बड़ा, अगर इसको चढ़ने की कोशिश करते तो पहले हम इस पर लंबा था इसको काट दिया, इसको बैठते थे हम नीचे को ऐसे आराम से, और इस वाले पेड़ में तो चढ़ा चढ़ने वाला था नहीं लेकिन इसमें ऐसे ही खेलते उठते डाल के ऐसे झूल झलक खेल, मंदिर भी था मंदिर पता नहीं हटा दिया इधर से दूसरे का शिफ्ट कर दिया, पहले ऐसे छोटा एक मंदिर था इधर भी, बाकी नहीं तो मैं अपने गाय को थोड़ा ऊपर हा के लेके आता हूँ फिर वहाँ का व्यूज दिखाऊँगा आप एकदम मस्त टनाटन। तीनों की तीनों इधर आ गए, मैंने उनको ऊपर हगाया था नीचे को आ गए। चलो मनी बेटा, ये पहले हमारा क्रिकेट खेलने वाला था पिच, एक इधर था एक उधर उस साइड बनाया था हमने, बाकी वैसे खेलते हैं अभी ये इस ऊपर इसके उस साइड है वहाँ मतलब बड़ा था पिच खेलने वाला। चलो घर मल चलो 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 चलो, ये काला वाला जो मारने को भी आता है कभी कभी, बाकी हम पहले हमारा मैदान था इधर, इधर से बॉलिंग कराते थे इधर से ऊपर को छक्का 4 रनों के लिए, पर अब कोई है ही नहीं सेट खेलने के लिए, ऐसे मतलब बहुत सारे मैदान हैं जहाँ क्रिकेट खेल सकते हैं पर अब तो खैर कोई खेलता नहीं है। चल कर, इन गायों के चक्कर में थक गया पहले मैं, ऊपर छाइन के चक्कर में वहाँ से आता था नीचे ये वाला मैदान है जहाँ पहले क्रिकेट खेलते इस पर फिर उस पर, बाकी ऐसा नज़ारा है एक मैदान हमने जो बड़ा है नीचे बड़ा है इस साइड यहाँ से तो दिखेगा नहीं, इसके लिए वहाँ जाना पड़ेगा वहाँ से दिखेगा, बाकी मौसम काफ़ी अच्छा है अभी ओके इस साइड में चारों का किसमें ताकि नहीं, बाकी मौसम बहुत सही एकदम, आगे चल कर दिखाता हूँ मैं आप लोग को एक बार अपना घर, बाकी ऐसा हमारा गाँव तो दिख रहा है पर लेकिन हमारा घर नहीं दिख रहा है क्योंकि बड़ा वाला जो पेड़ है ये लग गया ठीक सामने, इधर हमारा नौला पानी जहाँ से हम पानी भरने के लिए आते हैं सामने, इस साल नौला हमारा जहाँ पर ये लाइट लगी रात के उधर जाए तो लाइट, इस साइड हमारे गधेरा छोटा सा, नीचे बकरियाँ भी चल रही है लोगों के, बाकी उधर सामने दिख रहा है हमारा छोटा सा दिख रहा है एक हिस्सा कोने घर का, इस साइड से दिख रहा है हमारा घर जो ब्लू दिख रहा है आधा ही दिख रहा है आधा इस साइड, वो सामने और पेड़ लग गया उसका, बस आज की वीडियो यही तक जितना दिखाना था दिखा दिया मैंने, यहाँ का नजारा कल नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, कल दूसरी वीडियो बनाएंगे, यहाँ मौसम तो काफ़ी अच्छा हुआ है लेकिन अभी उतना मैं थक गया ऊपर से नीचे आते पहले मैं ऊपर भी गया था, आज हमारी रात को पूजा है तो आज पूजा की वीडियो देखेंगे आप लोग, रात में होगा तो वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय टाटा उत्तराखंड जय।